नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई हमारे बाग के अंदर इतना कबाड़ हो जाता है, उसका क्या इलाज किया जाए। तो साथियों देख सकते हो मेरा 4 साल का है बाग ये, और ये पौधे 10x12 पे मैंने लगाए थे। आप देख सकते हो देखो ये पौधा का फैलाव इतना हो चुका है, ये पूरे आपस में मिल गए हैं बीच से। अब इन प्लांट से अब तक हमने 30-30 किलो के आसपास नींबू निकाल लिया होगा। अब सितंबर में किसान की कोशिश ये रहनी चाहिए, रेट थोड़ा ठीक होता तो मैक्सिमम जितना निकालने लायक फल हो उसको निकाल लो, क्योंकि देखो जिस टहनी से हमने निकाल रखा उस पर नया फुटाव आ गया, तो ये नया फुटाव आता रहेगा और साथ के साथ उस पर नई फ्लावरिंग भी आ जाएगी। जो टहनी देखो जिस पे वेट कम होया है उसी टहनी पे देखो नई फ्लावरिंग आ गई है, तो एक हमारे फ्रूट की एक सीरीज बनती रहेगी, तैयार फ्रूट निकलता रहेगा और नया बनता रहेगा, ताकि हमारा मार्च अप्रैल तक अच्छा चले। तो साथियों बाग के बीच के अंदर को आपको देखो ये कबाड़ बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कबाड़ में हम कोई राउंड अप या किसी केमिकल का स्प्रे नहीं करते। साथियों हमने तो इसका एक इलाज पकड़ रखा है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये मेरे प्लांट के ऊपर हमने यहाँ तक इतना पहले गर्मियों में घास भर दिया था, अब वो घास देखो पूरा गड़ के सड़ के अंदर ही खाद बन गई है, और देखो इसके नीचे ये कैंचुए हो रहे हैं, कैंचुए बने, और ये मिट्टी देखो कितनी पोली है। और आज इतनी तेज बारिश हुई थी और देखो कहीं कोई पानी है इसके अंदर, क्योंकि जमीन को कैंचुए इतनी पोरस बना देते हैं, जड़ों के आसपास कोई भी पानी कभी नहीं रुक सकता। कितना आज बहुत तेज बारिश हुई 2 घंटे, तो देखो कहीं भी कोई पानी नहीं है, सारा पानी जमीन पी गई। और ये अब ये पुराना कबाड़ गड़ जाएगा, तो जैसे जो भी कबाड़ चारों तरफ होता है ना, हम तो निकाल के इसको ऐसे ही ऊपर डाल देते हैं। तो साथियों इसके बहुत फायदे हैं, गर्मी के मौसम में तो ये गर्मी से पौधों को बचाएगा, मॉइस्चर मेंटेन करके नमी बना के रखता है, जिससे हमारी फ्रूट ड्रॉपिंग फ्लावरिंग ड्रॉपिंग का समस्या खत्म हो जाती है। अब बारिश के समय में जो पानी खड़ा होता है उससे बचाव करता है, और सर्दियों में जड़ों को ये सर्दी से बचाएगा, जिसमें पौधे को मतलब ज्यादा स्ट्रेस सर्दी की ना आए। और साथियों अभी जैसे चारों तरफ हम इसके घास लगातार डालते रहते हैं कबाड़, तो उसमें क्या होता है जड़ों के आसपास मिट्टी बहुत नरम हो जाती है, और घास को ऐसे ही जो उगता है तो थोड़ा बहुत उसको हाथ से निकाल के यहीं डाल दो, उसमें भी ज्यादा हमारे को खुरपा चलाने की जरूरत नहीं होती। और जो एक पौधे के आसपास है नेचुरल हैबिटेट बन जाता है, जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं सूक्ष्म माइक्रोब होते हैं वो अपने आप पैदा होते रहते हैं, और प्लांट को सारे न्यूट्रिशन मिलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है फिर ऑर्गेनिक कार्बन की बात आती है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए हमारे को बाहर से कुरड़ी का गोबर का खाद डालना पड़ता है या ऑर्गेनिक कंपोस्ट डाल लो। तो अब हमने क्या जो हम इस टेक्निक पे चल रहे हैं, जो भी चारों तरफ प्लांट के कबाड़ होया सारा उखाड़ा हाथ से और सीधा प्लांट के नीचे भर के रखते हैं सभी प्लांट को। हम किसी को देख लो हाथ, ये छोटा सा प्लांट है, नीचे वाला गल गया था तो हमने दोबारा से इसको भर दिया, अब प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी चलती है। और प्लांट ये देखो ये इनका जो पहले वाला घास हमने डाल रखा था वो बिल्कुल सारा इसके मिट्टी के अंदर गड़ के मिल गया था, तो ये अभी नया जो घास उग रहा था उसको उखाड़ के डाल दिया। और सभी प्लांट के नीचे देखो आप किसी के भी नीचे मिट्टी ऐसी है जैसे अभी नड़ा के हटे हो। तो ये साथियों इसका कबाड़ का ही खेल है। अब इस इन प्लांट में क्या है, हमारे को इनका ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन करने के लिए कोई भी बार से ऑर्गेनिक वेस्ट डालने की जरूरत नहीं है। हम इनमें कोई अब गोबर का खाद नहीं डालते ना कंपोस्ट डालते, यहीं से ये कबाड़ चारों तरफ देखो प्लांट, अब नींबू तोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कितना प्लांट के चारों तरफ कितना साफ रहता है। अब इसको जो भी कबाड़ होता है इसको उखाड़ के और सीधा प्लांट के नीचे भर देते हैं, चारों तरफ सफाई भी रहती है और प्लांट को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए नेचुरली वो मिलता रहता है। अब देख सकते हो आप इस वैरायटी में ये साथ के साथ फ्लावरिंग चल रही है, ये फ्लावरिंग यहाँ से नया फुटाव हो गया, क्योंकि इनसे मैक्सिमम फ्रूट हमने निकाल रखा है, तो अब जो तैयार होता रहता है वो निकालते रहते हैं। तो साथियों आप किसी भी प्लांट को देख सकते हो, मेरे कबाड़ से मैंने भर रखा है पूरे बाग में, यही टेक्निक है, छोटे प्लांट हो या मेरे बड़े प्लांट हो, जहाँ से भी जिसमें भी जिसके आसपास जो कबाड़ उगता है हम उसको उखाड़ के उस प्लांट के नीचे ही डाल देते हैं, चारों तरफ से इसको कबाड़ से भर के रखते हैं,
ताकि प्लांट को बाहर से कोई हमारे को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ना डालना पड़े। इससे क्या होता साथियों, एक तो हमारे पैसे की बचत होगी, समय की बचत होगी और एक प्लांट की ग्रोथ है वेल मेंटेन्ड रहेगी। अब देखो इतने फ्रूट के लोड में भी ये प्लांट देखो आप कितना नया फुटाव ले रहा है, इतना फ्रूट है इस पे पूरा, नया फुटाव भी है, नई फ्लावरिंग भी है, सभी प्लांट ऐसे ही चले इनसे, और फ्रूट का साइज भी इनपे बिल्कुल अच्छा होता है। और साथियों हम क्या करते हैं, आम की अपने फ्रूट को तोड़ते हैं, करनाल मंडी में ही बेचते हैं, तो इसको जैसे एक तो इस पे हम ऑर्गेनिक पे करते हैं, एक तो चमक बहुत अच्छी है, और इस प्लांट इस जो फ्रूट को हम जो इस साइज का फ्रूट होता है ये इस साइज का, इससे थोड़ा बड़ा हम ये तोड़ लेते हैं सारा, और इसको हम बगैर पीड़ा करे ही अराए बेचते हैं और अच्छे रेट में बिक जाता है। तो चारों तरफ से हम ऐसे जो भी तैयार फ्रूट है इस टाइप का ये अराई तोड़ के और बेच देते हैं। तो आप साथियों इस बात पे ध्यान जरूर करें, गोबर के खाद के पीछे ना लगे, इतनी लेबर लगे बार बार। अब ये देखो इसमें पहली बार की ये घास पड़ी है जो गर्मियों में डाली थी, अब ये नीचे से देखो पूरी गल गई। अब जैसे देखो इसके घास भी नहीं हुआ प्लांट के, साफ पड़ा, और ये मिट्टी देखो नीचे कितनी पोली हुई है, कैंचुए ने कैसा इसको तैयार कर दिया पूरी मिट्टी को। तो इससे ज्यादा न्यूट्रिशन प्लांट को क्या हम दे देंगे कहीं से लाके। देखो इतनी तेज बारिश के बाद भी ऐसे लग रहा है जैसे इसमें पानी ना हो। देखो कैंचुए इसमें अपने आप नेचुरली पैदा हो रहे हैं बहुत, देखो कैंचुए ही कैंचुए है इसके अंदर आप देख सकते हो। तो साथियों इन टेक्निकों पे चलना पड़ेगा बागवानी में सक्सेस होना है तो। अब इसमें देखो लेबर बच गई है, प्लांट के चारों तरफ सफाई भी है, और ना तो नींबू तोड़ने में कोई दिक्कत है और एक्स्ट्रा लेबर की कोई जरूरत नहीं है। नहीं इस टाइम क्या होता है बारिश के मौसम में बाग में इतना हो जाता है भाई, कबाड़ प्लांट के अंदर से प्लांट के ऊपर तक निकल जाता है, लेकिन आप इसमें देख सकते हो इस कबाड़ वाली टेक्निक का कितना बेस्ट रिजल्ट है। तो साथियों इसको अपना के देखो बहुत अच्छे रिजल्ट है।